बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अब विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला ले लिया है। विपक्ष ने सिवान से आरजेडी विधायक कवत बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाकर उतारा है, तो भाजपा से विजय कुमार सिन्हा के उम्मीदवार बनने की संभावना है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी राजद है तो दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा। हालांकि भाजपा ने पहले से ही विधानसभा की कुर्सी गठबंधन में खुद के लिए तय कर रखी थी। अब राजद के आने से चुनाव होना तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि वर्तमान में विधानसभा सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी विधायकों के शपथ लेने का कार्यक्रम ही होगा। इस बीच खबर ये भी है कि आज राजद के विधायक दल की बैठक राबड़ी निवास पर हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी अगले 3 दिनों में सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तय करेगी। राजद विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन के अन्य सदस्यों कांग्रेस व वाम दलों के साथ मिलकर इस बार विपक्ष मजबूत भूमिका में है। बता दें कि बिहार के चुनाव में 110 सीट लेकर महागठबंधन विपक्ष में भी मजबूत स्थिति में है और 75 सीट के साथ राजद सबसे बड़ी पार्टी। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए राजद के सामने आने से विधानसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होना और भी रोचक हो जाएगा। सभी लोगों से हम लोग खुद बात भी करेंगे और अभी तो नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई है, सभी लोगों को सूचना भी दी जाएगी और अभी तो पहला नामांकन इन्हीं का हुआ, भी होता है नहीं होता है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन क्रॉस वोटिंग होगी नहीं, इसमें तो देखिए विप तो जारी होता नहीं है। पहली बात, जब आप अध्यक्ष चुन रहे हैं बिहार विधानसभा का, स्पीकर को चुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो सबसे उपयुक्त है, उपयोगी है, जो सबसे अनुभवी है, उनको लोगों को चुनना चाहिए, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीएम के नेता के साथ हमारी बैठक हुई और बैठक में सभी लोगों का राय था कि महागठबंधन के तरफ से कल जो स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है उसमें प्रत्याशी अपना उतारा जाए।